हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ मिनी चिकन नगेट्स की रेसिपी, जो कि एक बहुत ही बढ़िया टी टाइम स्नैक्स है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है, और स्नैक्स किसे नहीं पसंद। तो चलिए शुरू करते हैं और इसे एंड तक देखिए। इसे बनाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी चिकन ब्रेस्ट की। मैंने इस चिकन ब्रेस्ट को अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसे डीबोन कर देती हूँ, जो बोन्स थी इसकी निकाल दिया है। अब इसको स्मॉल पीसेस में कट कर लेना है। छोटे छोटे पीसेस बनाने हैं आपको, क्योंकि ये मिनी चिकन नगेट्स है, तो जितना छोटा हो सके बनाइए। इस तरह से मैं चिकन को काट लेती हूँ। ये देखिए, मैंने 100 ग्राम के करीब चिकन ब्रेस्ट के पीसेस यहाँ पर बना लिया है। अब इन सारे पीसेस को एक बोल में ले लेते हैं। इसमें नमक डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए रख देंगे। उससे क्या होगा, थोड़ा पानी निकल के आएगा और उस पानी को आपको फेंक देना है। बिल्कुल ड्राई रखना है चिकन को। अब इसमें डाल देते हैं गार्लिक पाउडर, थोड़ी सी जिंजर पाउडर और थोड़ी सी वाइट पेपर पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर, और इसमें जाएगा थोड़ी सी रेड चिली का पाउडर। और इसके बाद इसमें डालेंगे सिरका, यानी कि वाइट विनीगर। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेना है चिकन पीसेस के साथ, और इसे मैरिनेट करके आपको आधे घंटे के लिए रख देना है। आप रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं, रूम टेम्परेचर में भी रख सकते हैं। इसे मैं अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। मैंने जिंजर और गार्लिक को पाउडर फॉर्म में डाला है। जिंजर गार्लिक पाउडर आपको किसी भी स्टोर में, आपके नियर बाई स्टोर में मिल जाएगी आसानी से। अब इसे ढक देते हैं और रख देते हैं आधे घंटे के लिए। इस दौरान हम और एक मिक्सचर बनाएंगे रिफाइंड फ्लावर से। रिफाइंड फ्लावर के साथ मिला लेंगे गार्लिक पाउडर, और थोड़ी सी मिलाएंगे इसमें जिंजर पाउडर और नमक स्वाद अनुसार, और रेड चिली, ये कश्मीरी रेड चिली का पाउडर मैंने मिलाया है, और इसे अच्छी तरह से मिला के रख देना है। इसे हम यूज़ करेंगे बाद में, बस इसे मिला के अच्छी तरह से रख दीजिए। मैंने मैदा लिया है, लेकिन आप मैदे के जगह कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप एक जिप लॉक पाउच लेते हैं, जिप को ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर डालेंगे कॉर्नफ्लेक्स, और कॉर्नफ्लेक्स के बाद इसके अंदर डालेंगे ब्रेड क्रम्स, और ये दोनों डालने के बाद जिप लॉक कर देते हैं। अब एक बेलन की मदद से कॉर्नफ्लेक्स की चूड़ा बनाएंगे। कॉर्नफ्लेक्स की पाउडर हमें नहीं चाहिए, बस इसकी चूड़ा चाहिए, मतलब छोटे छोटे पीसेस रहने दीजिए। इस तरह से आप अगर बेलन को चलाएंगे तो छोटे छोटे पीसेस निकल के आएंगे और इसे हम इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से, इस टेक्निक से आप इसे तोड़ लीजिए, इसे अलग से रख दीजिए। अब यहाँ पर मैंने अंडा तोड़ के लिया है। इसमें नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार। इसे फेंट लीजिए अच्छी तरह से। अब इसे रख देंगे और एक प्लेट लेते हैं। चिकन मैरिनेट हो चुका है। अब हम आपको दिखाएंगे चिकन को कैसे कोट करना है इन सारे मिक्सचर में। तो ये ध्यान से देखिए। तो पहले एक टुकड़ा चिकन के लेते हैं और इस टुकड़े को फ्लावर के मिक्सचर में, यानी कि मैदे के मिक्सचर में कोट कीजिए। फिर अंडे में डुबाइए और फिर से फ्लावर के मिक्सचर में इसे कोट कीजिए, और फिर से अंडे में डुबाइए, और अब कॉर्नफ्लेक्स की मिक्सचर में डालिए और इसे कोट कर लीजिए अच्छी तरह से। बस ये हो गया। अब इसे रख दीजिए प्लेट में। इसी तरह से सारे पीसेस को आपको कोट करना है, पहले मैदे में, उसके बाद अंडे में, उसके बाद फिर से मैदे में, फिर से अंडे में, और लास्ट टाइम ये कॉर्नफ्लेक्स की जो चूड़ा बनाया था उससे कोट कर लीजिए और रख दीजिए। इसी तरह से सारे पीसेस को कोट कर लेंगे इस मिक्सचर के साथ। अगर आप जल्दी जल्दी खाना चाहते हैं तो इसे एक दिन पहले बना के इस तरह से रख दीजिए रेफ्रिजरेटर में, और जब भी खाने का मन करे इसे डीप फ्राई कर लीजिए। अगर आपके पास फ्रीज़र है तो क्लीन रैप करके इसे एक हफ्ते के लिए फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं, और बाद में इसे डीप फ्राई कर सकते हैं। सारे चिकन पीसेस को मैंने कोट कर लिया है। अब इसे रेफ्रिजरेटर में रख देंगे 10 मिनट के लिए। अब बारी है चिकन पीसेस को डीप फ्राई करने की। इसके लिए एक पैन में मैं सनफ्लावर ऑयल ले रही हूँ। ऑयल आपको इतना डालना है ताकि ये डीप फ्राई हो सके।
तेल को गर्म करने के वक्त आपको ये ध्यान में रखना है, तेल ज़्यादा गर्म नहीं होने चाहिए, बस मॉडरेट हीट में रखिए, नहीं तो ये चिकन के जो नगेट्स है वो बाहर से जल्दी ब्राउन हो जाएंगे लेकिन अंदर कच्चा रह जाएगा। चिकन के पीसेस को ऑयल में डालने के बाद भी आपको फ्लेम हाई नहीं करना है, लो फ्लेम में ही इसे पकाना है। जैसे समोसे तला जाता है वैसे ही चिकन नगेट्स को तला जाता है। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये ब्राउन हो गया है, अब बारी है इसे निकाल लेने की। तो एक टिश्यू पेपर के ऊपर मैं इन सारे नगेट्स को निकाल लूँगी। ये देखिए मैंने सारे नगेट्स को निकाल लिया है। लीजिए गर्मा गर्म कुरकुरे मिनी चिकन नगेट्स बिल्कुल तैयार है आपकी टी टाइम स्नैक्स के लिए। वीडियो को पूरा देखने के बाद इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।